है। जैसे कोई खुली हुई चीज है तो उसको कोई भाव नहीं देता है। सोना को लाके तुम फुटपाथ पर बेचोगे, सोने को फट्टा बिछा के, तो कोई नहीं खरीदेगा। और पीतल को तुम अगर सोने की दुकान में सजा दोगे तो खरीद भी सकते हैं। तो औरत की कीमत पर्दे में ही है। तो ये चीज है, मतलब आप समर्थन करते कि पर्दा होना चाहिए। पर्दा होना चाहिए, ओके, समझ रहे? ठीक है, वो अपनी अपनी जाति राय है, उसमें कोई हम लोग ज्यादा डिबेट नहीं करेंगे। हमारा सिर्फ ये जानना था कि इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद भी इजिप्ट ने बैन लगाया, तो क्यों लगाया, उसका रीजन जानना था। तो आपने अपना राय तो दे दिया है। कुछ लोग हैं जैसे कुछ लोग को अपना खड़ा करके बुलवाते हैं कि औरत लेडीज को, मुस्लिम औरतों को 1000 5500, वो वीडियो तो वायरल होते हैं, आप खुद देखते हैं। बोलते हैं कि मैं वोट तो झड़वाई देंगे, और जी झंडा भी जेपी का पकड़े हैं। उनका ईमान ही नहीं है, भले वो कहीं वोट डालें, ये गलत है, समझ रहे बात? जो दिल में है, तुम अगर बीजेपी का झंडा पकड़े हो तो वहाँ पर बोलना नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं ऐसे लोग को भी पकड़ के जेल में डालो। साला तुम भारतीय जनता पार्टी झंडा पकड़े हो और तुम झाड़ू तुम नाम ले रहे हो, फिर तुम यहाँ करने क्या आए हो? नहीं, अक्सर होता है ऐसा ही है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने वैसे बहुत मुस्लिम खिलाफ हैं कि बीजेपी के, मैं मेरे रिश्तेदारी में, मेरे पहचान में बीजेपी में खड़े थे, चेयरमैनी में, मैंने बीजेपी में वोट डाला। शान से बोलता हूँ, मैंने बीजेपी में डाला, मेरा कोई या मुसलमान या कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने डाला बीजेपी में। क्यों? वो मेरे खास हैं जिनको चेयरमैन ही, उन्होंने काम किया होगा। काम नहीं, काम से मुझे मतलब ही नहीं है। वो मेरे व्यवहारिक हैं, वो हमें यहाँ से बुलाए वोट डालने के लिए, मैं गया डालने, तो वो जीत भी गए, ठीक है। अब मैं, मुझसे कोई बोले कि मैं वोट डालने तो बीजेपी का आया हूँ, मगर दूंगा नहीं, दूंगा इसको, ये साला दोगला गिरी है, ठीक है। और दूसरी बात, तो पहली बात रही बात है नकाब की, वो औरतें खड़ी करके, खड़ी करी जाती हैं, आदमी खड़े करे जाते हैं कि तुम बोलो हमें पर्दे में नहीं रहना है, आप मेरे साथ चलो, पूरा खर्चा हम झेलेंगे। जो पर्दे वाली औरत है उनको बोलो आप बग़ैर नकाब सिर्फ 2 बार मार्केट में टहल के दिखा दो, करोड़ों हीरे अरबों पैसा रख दो, मांगी कसम उनकी जान चली जाएगी, घर के बाहर कदम नहीं निकालेंगी। वो तो है, जिन्होंने पाल ये सब जान रही है, जो इस्लामिक औरतें हैं जो जान रही है, वो तो पालती है, वो तो बुरखा लेती है, ढकती है, चल। लेकिन ऐसे भी तो कुछ लड़कियां आज के मॉडर्न जमाने में है इस्लामिक, वो तो हाँ, वो तो बिंदास नॉर्मली घूम रही है आजकल, जीन्स पैंट टी शर्ट और सलवार कमीज नॉर्मली चल रही है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, मतलब उनको उनका फ्रीडम। तो नकाब वालियों ने कभी नहीं बोला कि तुम जींस में घूम रही हो, हम लोग को गुमराह कर रही हो, अपना फिगर्स दिखा रही हो, अपना बॉडी दिखा रही हो। नकाब वाली या हमारी जो साड़ी में घूंघट आज भी निकाल नहीं है, ससुर को पानी देती है, साला ससुर मुंह नहीं देख पाता है। ये मैं हिंदू कल्चर, हाँ, मतलब ये संस्कृति का पालन हो रहा है, ये तो अच्छी बात। हमारे जो भारत में पर्दा करने वाली हैं, कोई भी धर्म से आती हैं, सब धर्म में पर्दा है, तो वो कभी नहीं बोली कि ये नंगी धुड़ंगी जो घूम रही हैं, हैं? आज भी हिंदू धर्म में भी है पर्दा करना, आज भी आप राजस्थान इधर उधर जाओगे तो घूंघट मारना, ये सब चीज़ें आज भी चलती है। जैसे केवल मुस्लिमों में बुरखा पहनना या फिर पर्दा लगाना ऐसा नहीं है, तो हिंदू में भी बहुत सारी जगह पर कि पर्दा करना पड़ता है, घर में जो मर्द आते तो पर्दा करना पड़ता है। हिंदू धर्म में भी बहुत सारी चीज़ है, वो संस्कृति का भाग है, लेकिन उसको अभी कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो औरतों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरे ये तो फिर खुला गुमराहियत हो गई, यानी बाप के सामने ये फिगर सामने खुला रखा होगा। नहीं नहीं, जो लड़की जो अभी जो समझ जा रहे हैं आज के युग में, जो भी लड़की चल रही है वो सीख रही है, पढ़ रही है, टेक्नोलॉजी में आगे चल रही है, तो वो तो उसको उतनी तो समझ होगी कम से कम कि मुझे कैसे रहना है। ये क्या है, ये भारत है कि अमेरिका है, आप बताओ क्या है? भारत तो है, तो लेकिन अमेरिका तो शुरू से नंगा है, क्यों चड्डी बनियान में आ रहे हो? मेरा भाई ने चड्डी बनियान में हर कोई लड़की नहीं आ रही है, एक हाथ दो जैसे आपने नाम लिया उर्फी जावेद वगैरह, वैसे लो एक्टर छोड़ो, लेकिन बाकी तो लड़कियां नॉर्मल रह रही है, लेकिन प्रगति भी कर रही है, अपना कॉलेज भी कर रही है, अच्छे से जी रही है। बता दूं, जितनी महाराष्ट्र की, मैं आपको बता दूं, लोग बोलते हैं महाराष्ट्र में ही जींस का ये अंडरवियर चड्डी यूज करती लड़कियां, और महाराष्ट्र में ही ये ब्रा और ये यूज करती हैं। मैं चलो कल मेरे साथ सब लड़की गिन लो, जितनी नंगी पाओगे ये सब छो अलग साइड की पाओगी, महाराष्ट्र की नहीं पाओगे। महाराष्ट्र की अगर जींस पहनती है तो पूरा पूरा ढक लेती है,
मैंने सच बता रहा हूँ आपको। नहीं नहीं, लेकिन ढके या रहे, लोगों का आज़ादी का भाग है तो उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अगर ये मतलब हमारा कहने का मतलब है, जैसे जो ये लड़की घूम रही नंगी धुड़ंगी वाली, ये नकाब वालों पे आरोप कर दी कि हमें आज़ादी चाहिए, तो तुम्हें किस चीज़ की आज़ादी भाई? तुम्हें कौन बांध के रखा यार, घूमो ना तुम खुद। मतलब एक शॉर्ट में कहना है कि जिनको जैसा रहना चाहिए वैसा वो रहे, हाँ, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तेरे जब ये नंगी घूमती हैं, इनके इनके बाप के बाप और चाचाओं की इज्जत वाट लग जाती है। इसे कहीं कहीं तो ऐसे मुँह करके निकलते हैं, क्यों मालूम? क्योंकि मेरी वो बोल देगा तेरी लड़की भाई कैसी है यार, बेलगाम साली वो नंगे कपड़े में घूम रही। तो वो लड़कियां सोचती हैं कि जब मैं ये नकाब को बायकॉट वायकॉट करूंगा तो पूरा पूरा गांव नंगा हो जाएगा। अबे तू नंगी है, हमारा भारत को कोई नंगा नहीं कर पाएगा, ठीक है? तुम नंगी रहो, तुम्हारे तुम गुमराह हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। तुमको आगे से भी जो देख लिया पीछे देख लिया, दोबारा नहीं। और जो साड़ी में नकाब में ढकी है उसको लोग सोचते हैं थोड़ा उसके उंगली दिख जाए है कैसी, देखने के लिए पूरे पूरे साल लग जाते हैं, उनका नहीं देख पाते लोग, और तुमको देखने के लिए एक सेकंड लगता है। ठीक है, संक्षिप्त ने यही शॉर्ट में यही कहना है कि लोग अपना संस्कृति को बरकरार रहे रखे, जिसको बुरका पहनना है पहने, नकाब करना है करे, जिसको आज़ादी से अगर खुद का समझ है उसको वो करना है, नहीं पहनना है नॉर्मल कपड़े पहने, अश्लीलता को ना फैलाए, यही आपका कहना है। कहना है देखो, छोटी सी मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ठीक है? राम जी जब लक्ष्मण जी को एक एक चीज़ सीता जी की दिखाए थे, तो लक्ष्मण जी बोले भैया जी मैं नहीं जानता, आखिरी में पैर की पायल पहचान गए। क्यों? क्योंकि वो पैर पे ही नज़र डालते थे। और जब आज के दिन जब हमारी लड़की जो पैदा होएंगी जींस पैंट और चड्डी बनियान पहन के घूमेंगी, तो बहुए क्यों साड़ी पहनेंगी? बहुए भी नंगी धुड़ंगी रहेंगी ना, हैं? तो जब हमारी सीता जी ही इतना पर्दे में रहीं, समझ रहे भाई, तो भारत किसका है? नहीं नहीं, अभी जो आपने बात किया वो सीता जी पर्दे में नहीं थी, लक्ष्मण के नज़र पे पर्दा था। ऐसा नहीं, नहीं नहीं, लक्ष्मण सुनो अभी, मैं भी आपको अगर आपने हिंदू धर्म का अगर उदाहरण दिया है, पढ़ा है, हाँ, नहीं मैं बताता हूँ उसके बारे में। सुनो तो सीता मैया का सुनो, साड़ी में रहती थी, घूंघट में रहता था, ये पेट से पूरा एकदम लिपटा, बाकायदा आप लिखा है पढ़ लो। और रही बात लक्ष्मण जी पैर पे नज़र डालते थे, वो नहीं देखते थे, मगर सीता मैया भी घूंघट रखती थी, लेकिन वो कोई पर्दा नहीं था, पर्दा वो लक्ष्मण जी के नज़र पे था कि वो कभी उनके चेहरे को नहीं देखे थे, मतलब ये देखे नहीं थे, मगर हाँ। उनका भी घूंघट था, हाँ। रहेगा उस समय पे, ये तो उससे बड़ा तो कोई भारत में विद्वान नहीं है। नहीं नहीं, वो तो अभी क्या कोई देखा नहीं है, पर्दा था नहीं था, लेकिन कहानी जो बताती है, जो लिखा हुआ है रामायण में, कि उनका उनका चेहरा उन्होंने देखा नहीं था, इसलिए नथुनी उनकी किसकी है पूछा था, अगर गिरी थी रास्ते में तो पूछा गया था उनको किसकी है, तो उन्होंने बताया पता नहीं क्यों, क्योंकि उन्होंने कभी उनका चेहरा ही नहीं देखा। आज भी मैं आपको गांव में दिखा दूंगा, आप मेहमान बन के जाओ, मैं अपने गाँव का दिखा दूंगा, हमारे जो सनातन धर्म की औरतें हैं उनका आप उंगली देख पाओगे, ये हाथ नहीं देख पाओगे, ऐसे साड़ी में रहती हैं, मेहमानों को पूरा खाना खिला देती हैं। तो ये लड़की कल कल की क्या सोच रही हैं, चॉकलेट खाने वाली बंदर की शक्ल वाली क्या सोच रही हैं, हमारी उन औरतों को मतलब गुमराह करना चाह रही हैं। तो ये थे मुजीब खान जी, जो कि MK प्रोडक्शन चलाते हैं, इनके बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं और सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव हैं। तो आज उनसे हमने रूबरू बातें की हैं, काफ़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब भी दिए हैं। तो सर जी, काफ़ी अच्छा आपने जानकारी दी है, आपके MK प्रोडक्शन के बारे में भी दी है, और जो सामाजिक फिलहाल चल रहा है उस हालचाल उसके बारे में भी काफ़ी अच्छे आपने जवाब दिए। तो आखिर में कुछ क्या कहना चाहेंगे नए जो कंटेंट क्रिएटर है, वीडियो क्रिएटर है, यूट्यूबर है, उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जाते जाते मतलब एक थोड़ा सा बता दीजिए। जाते जाते यही है कि सबसे पहले तो हमें, अगर कोई लड़की है या कोई लड़का है, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे प्रोडक्शन में आओ, अगर आना चाहता है ना तो अच्छी बात है, तो पहले पता करें असली और नकली। अच्छे प्रोडक्शन में आपको मतलब ऐसा कुछ नहीं करा जाएगा, ना पैसा ना कुछ भी नहीं, काम मिलेगा, समझ रहे? और लोग तो महाराष्ट्र में ही नाम ख़राब कर देते आके हैं, ये गंदे ही लोग, गंदौड़े लोग कर रहे हैं, अच्छे लोग नहीं कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर के साथ में इंटरव्यू देते हुए, बहुत अच्छा लगा, और
हमें उम्मीद है ये वीडियो खींचो और ये उर्फी जावेद तक जाए और जो नंगा घूमना चाहता है वो घूमता रहे, और उसके बाद में जो काम करना चाहे इनके प्रोडक्शन में भी आ सकता है काम करना। मैं इसी चैनल पे मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर सर डाल देंगे, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और जो पर्दे में उसको पर्दे में रहने दो, जो नंगा घूमना चाहे तो वो प्लीज़ दूसरे को नंगा मत करो। तुम हमारे बाप मरे या जिंदा रहें, शर्म हया से। और पर्दे वाली औरतें जब तुम पे उंगलियां नहीं उठा रही तो कृपया करके आप भी मत उठाएं। तो बस कहना यही चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।